वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के सामने गया था, उनको मैंने मेरी बात रखी मेरे समाज की, तो ये जो है काले अंग्रेजों ने मेरे को दूसरे दिन सस्पेंड कर दिया। मैं उनको अरे राजेश को क्या सस्पेंड करोगे तुम, मैं तुम्हारी खुर्चा खत्म कर डालूंगा। तो इसीलिए मैं कहना यह भी चाहता हूँ और मैंने हर घर जाके लोगों के दावे किए हैं, कम से कम मैंने एक ही जिले की बात करूंगा, लेकिन मैं 6 जिलों में काम करता हूं मध्य प्रदेश के। वन कानून के तहत 3.5 लाख एकड़ जमीन मैंने मेरे आदिवासियों को दिया थे, वन कानून के तहत। धारा 2 का 3 एक 6 एवं धारा 5 के
कानून के साथ कानून के अभी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जहां पर जो है हमारे देश भर के बड़े बड़े संस्थाने काम करने वाले बुद्धिजीवी लोग आए हैं। वहां पर हमारे आदरणीय गजानन भाई ब्राह्मणे जी को हाथ रखने की बात है, तो उन्होंने कहा पैसा कानून तो लागू होगा, अभी ये सरकार हमको गुमराह कर रही है, लेकिन हमने पंचायत राज उपबंध विस्तार अधिनियम 1998 के तहत जो है हमने जो है जंगलों में हमारे आदिवासियों की जमीन को जो है फॉरेस्ट विभाग को राजस्व विभाग ने हैंडओवर कर दी थी। तो हमने गजानन भाई के साथ में हम लोगों ने बोला, थाने पर जाके बोला को लेकर, तो ग्राम सभा को लेकर हमें फायर दर्ज कराने थाने खेतिया थाने में पहुंचे, तो थानेदार को बोला हमें फायर दर्ज कराना, तो किसकी? हमने बोला कलेक्टर की और एसडीएम की। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, संविधान का उल्लंघन करा है, इसलिए जो है कलेक्टर जो है केस कर रही है उसके लिए इनके खिलाफ नैयर जी, उनका नाम मेरे को पुरानी मालूम है, लेकिन नैयर जी ने मंच से कहा कि आज का गांधी गजानन ब्राह्मण है, क्योंकि वो ओरिजिनल काम करके इन सरकारों को दिखाया है, इसलिए जो है ओरिजिनल गांधी कहा गया उनको, ये बड़ी उपाधि थी उनको। तो इधर आते हैं, हम भी जो है जमीन पे काम करते हैं, जमीन पे कई सालों से लोगों को जो है हमारे इलाके की पुलिस अगर आदिवासी को पकड़ ले उसी ताकत का पुलिस वाले की हम नुकसान कर करवा देते हैं, ये ताकत है हमारी। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि हमको जो है हमारे जो सारे अधिकार और कानून बने हैं इसको हमारे काम में इंप्लीमेंट करो, ये कलेक्टर मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं, हमको हमारे अधिकार कानून है